अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जी मैं आई थी बाहर अपने हस्बैंड के साथ, कुछ चीज़ें लेने आई थी, जैसे कि ब्रेड ख़त्म हो गई थी, अंडे ख़त्म हो गए थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि आपको पता है कि वीकली ग्रॉसरीज़ लेनी ही पड़ती हैं, कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ ही होता है, स्पेशली रोज़ों में, क्योंकि रेसिपीज़ ज़्यादा बन रही होती हैं, डिशेज़ ज़्यादा बन रही होती हैं तो फिर चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और मेरे हस्बैंड क्योंकि जस्ट अभी ही आए थे और मैंने उनसे कहा कि मुझे फ़ौरन जो है ना ले चलें बाहर, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, तो फिर वो जब भी मैं उनको कहूँ वो खैर मना नहीं करते, हमेशा ही मुझे ले जाते हैं। तो बस यहाँ पे चीज़ें ले ली थी। और मौसम आपने देखा है कितना खूबसूरत हो रहा है आजकल, मुल्तान का मौसम तो ऐसा हो रहा है कि बस देख के दिल खुश हो जाता है, इतनी अच्छी बारिश हो जाती है ना हर रोज़ ही तकरीबन। मैं ये सामान लेकर आई हूँ, एक तो मैंने ये टॉर्टिलास की है। अच्छा आप पूछते हैं ना कि रोल पट्टी मैं कहाँ से लेती हूँ, तो मैं ना यहाँ से लेती हूँ क्योंकि बस बहुत अच्छी मिल जाती है ना, आइडियल से बहुत अच्छी फ्रेश होती है। आज तो इतनी सारी फ्रेश आई हुई थी ना, तो मैंने आज 2 किलो ले ली है, कि 1 किलो तो मैं यूज़ करूँगी और 1 किलो मैं फ्रीज कर लूँगी। बाकी मैंने लिए हैं जी ब्रेड लिए हैं, अंडे लिए हैं, तंदूरी मसाला नहीं था तो आज मैंने इसके 2 पैकेट ले लिए हैं। पुडिंग लिए है। अच्छा मैं जब रमज़ान ग्रॉसरी करने गई थी ना, तो मैंने ये तुक्कू मलंगन भूल गई थी, तो आज मैं लेकर आया हूँ। और चावल लिए हैं मैंने, चावल ख़त्म थे तो मैंने 2-2 किलो बस सभी ले लिए। ये लिया है चिकन, ये ब्रेस्ट फिले लिए हैं और ये रोटी, ये चीज़ें लिए हैं मैंने, कब ले आऊँ क्योंकि फिर टाइम से ले आऊँ ताकि फिर टाइम से मैं उतार ही रेडी कर लूँ, तो बस इनको मैं समेटती हूँ अभी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ टॉर्टियास पिज़्ज़ा, जिसके लिए मैंने 2-3 रोटियाँ ले ली हैं। इसको पहले मैं कटर से काट के ना इसके छोटे छोटे सी गोल सी रोटियाँ काट लूँगी। पहले तो मुझे ना इसका कोई शार्प कटर मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने एक जार का ढक्कन निकाला, 2-3 ट्राई किए हैं, तो ये वाला ज़रा शार्प सा था, तो ये मैंने कहा बस इसी से कट जाएंगे और मुझे साइज़ भी इतना ही चाहिए था। और पैन आपने ऐसा लेना है, छोटे वाला पैन लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बनाए तो फिर बड़े वाला पैन चाहिए, छोटा थोड़े बनाए जैसे कि मैं 7-8 बनाऊँगी तो उसमें ये आराम से बन जाएंगे। दूसरी साइड से मैंने छोटी कढ़ाई में ले लिया चिकन, उसमें मैंने डाल दिया तंदूरी मसाला, और क्योंकि अभी पूरी तरह से थॉ नहीं हुआ चिकन तो ये अभी सेट हो जाएगा। मैंने थोड़े से ना 2-3 ड्रॉप मैंने डाल दिए थे ऑयल के, ताकि अच्छा सा ना कुक हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें अरेंज करके ना टॉर्टिलास काट के अरेंज करके रख दिए हैं, और चिकन जो है वो अभी कुक होने ही वाला है तकरीबन, तो मैं इसको छोटा छोटा वैसे कर रही हूँ, थोड़े से बड़ी पीसीस थे तो मैंने इसलिए इसको छोटा छोटा वैसे कर लिया है। अच्छा इसमें थोड़ा सा थाइम डाला है, साथ ही गार्लिक पाउडर डाला है, और साथ ही मैंने शिमला मिर्च एक छोटी छोटी कटी हुई वो डाल दी है। अच्छा जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं कैंडल ज़रूर लगा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से कैंडल जल रही हूँ वो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से ना। अच्छा जी यहाँ पे मैं बस चिकन को थोड़ा सा मैंने ठंडा किया था, उसके बाद मैंने इसमें टॉर्टियास में इसको सेट कर लिया, अरेंज कर लिया। इसके ऊपर चीज़ जानी है, चीज़ सिर्फ मेल्ट होगी इतना ही, आपने इसको ग्रिल करना है अवन में, चीज़ मेल्ट होगी तो बस ये कुक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें कुक्ड हैं। और जी खाने में आज बना रही हूँ पाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, उन्होंने कहा कि आज पाए बना लेना, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मेरे पास फ्रीज़र में थे
तो आज सोचा कि बना ही लेती हूँ, तो मैंने आज इसको इंस्टेंट पॉट में बनाने का इरादा किया है। तो मैंने इसमें ना धनिया डाला है, खूब सारा मैंने लहसुन डाला है, और इसको सबसे पहले तो प्रेशर कुक करूँगी 10 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से गल जाएंगे, मतलब गलेंगे तो नहीं, अभी सिर्फ मसाला ये है कि लहसुन वगैरह गल जाएगा, तो फिर मैं इसको मसाले दूसरे डाल के ना भून लूँगी। अच्छा, आज मैं एक बड़ा अच्छा सा ना एक मीठा बना रही हूँ पुडिंग के साथ ना। अच्छा, ये ना वनीला फ्लेवर की है पुडिंग, और इसमें दो पैकेट होते हैं, एक तो ये पुडिंग वाला होता है, दूसरा इसमें कैरेमल वाला होता है। तो मैंने तो बड़ा ढूंढा कि मुझे स्ट्रॉबेरी वाली पुडिंग मिल जाए, लेकिन मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने ये ले ली। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैंने ये लिए हैं जी डाइजेस्टिव बिस्किट। सबसे पहले तो इसको ज़रा चूरा कर लूँगी, और ये काम मैंने सोनिया के ज़िम्मे लगा दिया। मैंने कहा तुम इसको चूरा कर लो, तो मैं बाकी के काम देख लूँ। तो अफ्तारी का काम ऐसा होता है कि आप एक दो चीज़ें भी बनाते हैं ना, तो माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें बन जाती हैं, ऐसी बरकत पड़ जाती है। बट जबकि आम रूटीन में वो बरकत नहीं होती, वो बात नहीं होती है, इसकी कोई अनोखी बरकत होती है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखिए इसने कोट लिया था, तो मैं सबसे पहले तो ये बिस्किट अरेंज कर लूँगी। और ये इतना आसान मीठा है, इतना झटपट बनने वाला मीठा है ना, कि कोई बच्चा छोटा भी बना सकता है बड़े आराम से ना। तो सबसे पहले तो मैंने इनको इसमें डाल दिया, और ये देखें जी बुनाई पे आ गए मेरे पाए। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, और फिर इसको ड्राई पानी ड्राई होने के लिए रख दूँगी, और ऑयल डाल के इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। अच्छा, दूध में जैसे ही उबाल आएगा ना, तो मैं इसमें पुडिंग डाल दूंगी, और इसको 2 से 3 मिनट फिर पकाना है, उसके बाद ये ठंडा करने के लिए रख दें। वैसे नॉर्मली भी अगर ये बनाए ना, तो बड़े मज़े की बन जाती है। मैं तो खैर इसको आज ज़रा दूसरी तरह से बना रही हूँ, मैंने कहा ज़रा दूसरी टाइप से बनाती हूँ। अच्छा, बिस्किट के ऊपर ना मैंने छोटे छोटे से ना स्ट्रॉबेरीज कट कर लिए थे, और वो अरेंज कर रही हूँ, और इसके ऊपर ही पुडिंग डालूंगी। अच्छा, पुडिंग जब भी आपने डालनी है ना, तो गर्म नहीं डालनी है, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। मैंने पानी में थोड़ा सा ठंडा किया था, फिर इसके ऊपर डाला था। अगर गर्म गर्म डाल देंगे ना किसी भी फ्रूट के ऊपर, तो फिर फ्रूट जो है वो अपना पानी छोड़ जाता है, तो वो फिर फ्रूट का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो देखें थोड़ा सा ठंडा हुआ, तो फिर मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ, और इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। ये बड़ा ही मज़े का बना था, बड़ा डिफरेंट सा बना था। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं, मुझे क्योंकि जल्दी हो रही थी, तो मैंने इंस्टेंट पॉट वाला जो बर्तन है वो मैंने सीधा चूल्हे पे रख दिया कि जल्दी से पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि इंस्टेंट पॉट का ये होता है कि इसमें पानी थोड़ा टाइम से, मतलब देर लगाता है ड्राई होने में ना। मैंने सोचा पाए बना लेती हूँ, क्योंकि पाए काफ़ी दिनों से फ्रीज़र में थे, तो ज़रा शोरबे वाली चीज़ खाने को ना दिल भी कर रहा था। मैंने कहा चलो सहरी में भी हो जाएंगे, और अफ्तारी के बाद भी अगर दिल करता है तो हम खा लेंगे। और मैंने ना अफ्तारी से तकरीबन आधा घंटा पहले ही इसमें चीज़ ऊपर, सारी ऊपर अच्छी खासी मैंने चीज़ डाली थी, उसके बाद मैं इसको ग्रिल करने के लिए रख दूँगी। इसको बेक करूँगी, ग्रिल करें एक ही बात है, ग्रिल करने से ये है कि इसकी ज़रा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा। बेक भी कर लें तो कोई नहीं, मतलब ऊपर नीचे वाले रॉड भी अगर ऑन कर दें तो उससे भी अच्छी तरह बेक हो जाता है, और इसका चीज़ भी मेल्ट हो जाती है। तो ये बड़ी आसान सी डिश है, जो कि बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली बच्चों को ये बहुत अच्छी लगी थी। और मेरी तो वैसे बेटी जो है वो सारे माशाल्लाह से रोज़े रख रही है, तो उसकी फरमाइश होती है कोई ना कोई चीज़ अलग सी बस बननी चाहिए उसके लिए। तो फिर मैं कहती हूँ कि कहीं उसका शौक़ ना ख़त्म हो जाए, तो मैं उसके लिए फिर कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। तो जी यहाँ पर बना रही हूँ जो मैं दही भल्ले, और अच्छा मैं ना घंटा डेढ़ पहले ना ये बूंदी जो है वो भिगो के रख लेती हूँ। इसका ना साइज़ डबल हो जाता है, भल्ले भी बड़े अच्छे डबल साइज़ के हो जाते हैं, बिल्कुल फूल जाते हैं, और बूंदियाँ भी बहुत अच्छी फूल जाती हैं। तो बस मैंने दही में नमक डाला, थोड़ा सा मैंने दही भल्ले वाला मसाला डाला, और
सलाद भी मैंने काट लिया था जिसमें टमाटर हैं, धनिया है, प्याज है, उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा दही भल्ला मसाला डाल देती हूँ। इस तरह से ना दही भल्ले फीके नहीं बनते, बड़े मज़े के बन जाते हैं। तो बस इनको अरेंज कर लूँगी। अच्छा, इसके ऊपर ना ये मीठी चटनी और ग्रीन चटनी मैं डाल दूँगी। और मीठी चटनी देखिए मैंने बाहर ही रखी हुई है, फ्रिज में मैंने रखी ही नहीं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, ज़रा भी ख़राब नहीं हुई है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो अभी मेरी बेटी की कुछ बुक्स लेकर आए थे जो उसने मंगवाई थी, तो ज़रा पढ़ाई की डिस्कशन हो रही थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तैयारियों में लगी रहती हूँ। अच्छा, जैसे ही ये पुडिंग ठंडी हो गई ना, तो मैंने इसके ऊपर कैरेमल जो साथ मिलता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर डिज़ाइन बना दूँगी, तो ये देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है और खाने में। तो वैसे ही पुडिंग और कैरेमल का बड़ा गहरा ताल्लुक है, उसके बगैर पुडिंग अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, आप मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि आप ही कहाँ हैं, किधर हैं, हम आपको मिस कर रहे हैं। तो असल में ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मैं बहुत लेज़ी खुद को फील कर रही थी, इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड कर ही नहीं सकी। हालांकि बनाती रही हूँ मैं, साथ साथ क्लिप्स लेती रही हूँ, लेकिन मैं बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ब्लॉग अपलोड कर मतलब एडिट करके अपलोड करूँ। अच्छा, ऊपर ना मैंने पुदीने की ना एक एक पत्ती रख दी है, इससे देखने में ना डिज़र्ट बड़ा प्यारा लग रहा था। बस जी, अब थोड़ा सा ही टाइम था अफ्तारी होने में, तो चीज़ों को मैं सेट कर रही थी। और मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी आज नमाज़ थोड़ी सी लेट हो गई है असर वाली, तो अभी नमाज़ पढ़ रहे थे क्योंकि ज़रा किसी काम चले गए थे, तो वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जी अब एंड में मैं तकरीबन 20 मिनट पहले मैं पकौड़े फ्राई करना शुरू कर देती हूँ। और अब मैंने ना उसमें शुरू कर दी सरसों के तेल में ना, क्योंकि वो फिर बहुत अनहेल्दी हो जाता है और फिर मेरे हस्बैंड खाते ही नहीं हैं, इसलिए मैंने सरसों के तेल में ये फ्राइंग शुरू कर दी है। तो आज मैंने सिंपल वाले पकोड़े बनाए थे जो नॉर्मल वाले होते हैं मिक्स करके सारी चीज़ें, क्योंकि वो मैंने बनाए ही नहीं थे जब से ना ये रोज़े स्टार्ट हुए हैं। और साथ ही ये पालक के बना लिए हैं, पालक मैंने ना ले के उसको काट के ना रखा होता है साबित साबित ना फ्रिज में ही, तो उसके मैं बस वो फ्राई कर लेती हूँ। और ये है जी हमारी आज की अफ्तारी, और आई होप आपकी अफ्तारी भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। 2-3 दिन मैंने कोई अहतमाम नहीं किया था, इसलिए आज मैंने ज़रा अच्छा अहतमाम कर लिया। घर वाले कहेंगे कि रोज़ ही हमें टालती रहती है, तो फिर आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा अहतमाम कर लेती हूँ अपनी तरफ से। तो अब जी रोज़ा खुल रहा है और हम रोज़ा खोल रहे हैं। आपसे चाहूँगी मैं यहीं पर इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।